नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास पूर्वक मनाने हेतु स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर हर घर तिरंगा लगाने देशवासियों से की अपील। तहसील मुख्यालय किरनापुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ देशवासियों को धूमधाम से मनाने हेतु स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया। उसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में सभी छात्र छात्रा एकत्रित होकर भारत के नक्शे पर उपस्थित होकर देश अखंडता संप्रभुता का संदेश दिया गया। वहीं प्रशासनिक तौर पर SDM निकिता मंडलोई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रुति चौधरी, खंड शिक्षा अधिकारी GS टेकाम व मुख्यालय स्कूलों के शिक्षकों की उपस्थिति रही। MBCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भीमटे की रिपोर्ट। पंचायत के कमन विभाग के मैदान में किस कारण से आज़ादी के अमृत महोत्सव में के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत जो है हर घर तिरंगा जो है शासन के द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक देश के जो प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर झंडा लगाए जाने के लिए प्रेरित करना है तिरंगे झंडे के लिए। तो लोगों में किरनापुर की जनता में जन जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ पे जितने शासकीय स्कूल हैं उन सबकी रैली निकाली गई थी उत्कृष्ट स्कूल के परिसर में, और वहाँ पे सभी बच्चों के द्वारा एक मानव श्रृंखला बनाकर हर घर तिरंगा लिखा गया, और जिसका माध्यम से यहाँ पे जनता को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए प्रचार प्रसार का उद्देश्य था, उसी के अंतर्गत आज कार्यक्रम। ग्रामीण स्तर पर क्या गतिविधियाँ करवाई जा रही? सभी ग्रामों में, ग्राम पंचायतों में जो है ग्राम पंचायतों को झंडे वितरित किए गए हैं जो लोगों को प्रेरित करेंगे झंडा देने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी झंडे दिए जाएंगे, और ग्राम में भी निरंतर जो है रैलियां हो रही हैं हमारी NRLM की दीदी के माध्यम से, स्कूल के बच्चों के माध्यम से और ग्राम पंचायतों के माध्यम से मुनादी से, ताकि वहाँ पर भी लोग स्वप्रेरणा से अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराएँ। कितने दिनों तक फहरा के रखेंगे घरों पर? ये 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त करना है। पहले 11 अगस्त से 17 अगस्त तारीख थी, अभी 13 तारीख से 15 तारीख तक झंडे फहराएंगे जी। और इसे जो नागरिक अपने घर पे फहराएंगे उसमें झंडा संहिता में संशोधन भी हुआ है, तो रात में भी अपने घर फहराए रख सकते हैं वो झंडा, तो झंडे का सम्मान होना चाहिए। जो आज ये जनपद पंचायत में झंडा वितरण हुआ है सभी पंचायतों में दिल्ली? हाँ जी, सभी पंचायतों में 83 पंचायतों को झंडे यहाँ से वितरित हुए हैं। ठीक है, ठीक। आप अभी आप समझ बैठ जाएंगे।